हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मधुराज रसोई। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा चिंगारी। अंडे से तो हम हमेशा ही ऑमलेट, अंडा करी बनाते हैं, पर आज हम अंडे से अंडा चिंगारी बनाएंगे। चलिए तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने के बाद इसमें 2 अंडे डालेंगे। अंडे को अच्छी तरह से स्क्रैम्बल कर लेना है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च ऐड करूंगी। इसको मिक्स कर लेना है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं इसमें 3 चम्मच बटर डालूंगी और 3 चम्मच ऑयल डालूंगी। अब 1 कप प्याज ऐड करना है हमें इसमें। इसमें 1/2 चम्मच हरी मिर्च डालेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है। इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक उसको फ्राई करेंगे। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है। इसको 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। ये सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें धीरे धीरे 1/2 ग्लास पानी ऐड करूंगी। धीरे धीरे पानी ऐड करके मसालों को अच्छे से पका लेना है। इसको 2 मिनट के लिए कवर कर लेना है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच दही ऐड करूंगी। दही को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने यहाँ पे 4 अंडे को बॉईल करके कट कर लिया है। अब मैं अंडे को करी में ऐड कर लूंगी। इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। जो अंडे का स्क्रैम्बल बनाया था वो हमें इसमें ऐड करना है। इसमें 1/2 ग्लास पानी डालना है। को मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डालूंगी। को मिक्स कर लेना है। पांच मिनट के लिए इसको ढक के कुक करेंगे। स्पाइसी अंडा चिंगारी इज रेडी टू सर्व। आप ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्रेस दैट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट।